हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो क्लास शुरू हो रही है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लासेज लिया हुआ है कई सारी, है ना। और इसके बारे में, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी हमें नीड आ गई है, जो हमें टेक्निकल एजुकेशन में इसको जो है हमें एड ऑन किया गया है ना भाई। हमें टेक्निकल एजुकेशन में क्यों पढ़ना पड़ रहा है ह्यूमन वैल्यूज, जबकि ये सब वैल्यूज सभी को आते हैं, है ना, सभी को आने चाहिए। तो ऐसी क्या नीड हो गई जिसे हमें एज ए सब्जेक्ट इसे पढ़ना पड़ रहा है, ऐसी क्या नीड आ गई है जिससे कि हमें इस एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे पहले जिसने हमारी क्लासेज ली होगी उसके उसको हमने सब ये डिस्कशन किया हुआ इसके बारे में, ये इसके कंटेंट्स क्या हैं, है ना, कि आज की एजुकेशन का मेन एम क्या है, है ना, हमारी एजुकेशन कहाँ जा रही है ना, जो मेन फोकस है हमारी एजुकेशन का क्या है, है ना, कुछ अचीव करना, है ना, कुछ ना कुछ अचीव करना है हमारी एजुकेशन का। लोग अचीव कर रहे हैं, है ना, तो उसके अलावा हमें क्या अचीव करना है। फिर भी लाइफ में लोग जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। एट लास्ट लोगों को जो है बहुत सारी माइजरीज का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारा इनसेटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ रहा है ना। तो क्या रीज़न है ये जो है कि लोगों के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। लोग टेक्निकल एजुकेशन लेके, एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, है ना, आर्किटेक्ट, लाइक दैट, है ना, मैनी टाइप्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आर सब अवेलेबल, मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आर अवेलेबल, पीपल आर गेटिंग एक्सपर्टीज ऑन दैट, है ना। तो बट एट लास्ट अगर देखो तो बहुत सारे लोग जा करके, है ना, आप देखो बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, है ना, कि वो ये है एक्स वाई जेड, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं कि लाइफ के टॉप में पहुँच के लोग जो है फेल हो रहे हैं इन लाइफ, पर्सनल लाइफ, है ना। तो क्या कमी जो है रह जाती है, क्या कमी रह जाती है इनको, है ना। तो इसलिए ये इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने लिया हुआ है, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको एज ए सब्जेक्ट, है ना, यूजीसी में, यूनिवर्सिटीज में, है ना, लॉन्च करने का जो कि जो है शुरुआत की हुई है। वैसे तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट में आई थिंक जो है 2009 से ही इनबिल्ट हो गया था हमारे AKTU में, बट रेगुलर आई थिंक जो इसकी पढ़ाई वो शुरू हुई है 2015 के बाद, है ना। इससे पहले लोगों ने एज ए सब्जेक्ट था, लोग जो ट्रेनिंग देते थे, बट पीपल वर नॉट अवेयर एट ऑल दैट, बिकॉज वो एज ए सब्जेक्ट नहीं उसको जो है एड ऑन किया गया था। लोगों को दिया कि चलो भाई ट्रेनिंग दे दो, बुला लो, चाहे टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों। कुछ लोग आए, लोगों ने अटेंडेंस दी, दो चार सिटिंग ली, और जो है बस पूरा फुल फ्लेज्ड, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि भाई चलो ये तो ह्यूमन वैल्यूज है, क्या इस सबको तो आती है, है ना। तो अगर हम जो है देखेंगे, जैसा मैंने शुरुआत की थी, तो आज की जो एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, वो बेसिकली बेस्ड है किस पे बेस्ड है, है ना। जो आज की जो एजुकेशन है वो बेस्ड है ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज पर, है ना, टेक्निकल एक्सपर्टीज पर बेस्ड है वो। केवल बेस्ड है हाउ टू डू, है ना, हाउ टू डू पर बेस्ड है, है ना, कैसे सीखना है, है ना, कैसे हमें टेक्निकल एजुकेशन लेना है, कैसे हमें मैकेनिकल एजुकेशन लेना है, कैसे हमें मेडिकल एजुकेशन लेना है, ओनली टेक्निक्स पर बेस्ड है, है ना, टेक्निक्स पर बेस्ड है। पीपल आर ओनली गेटिंग टेक्निकल एजुकेशन, एंड ये कोई नहीं जो है तय कर पा रहा है ना कि एट लास्ट में जाके या अभी शुरुआत से ही कि भाई हमारा मेन एम क्या है, ह्यूमन बीइंग का मेन एम क्या है, व्हाट इज अ कॉमन गोल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ये कोई डिस्कशन किसी ने इसके बारे में नहीं किया हुआ है, है ना। तो ओनली ये है हाउ टू डू,
हाउ टू एक्वायर नॉलेज, हाउ टू गेट अ गुड जॉब, हाउ टू गेट एक्सपर्टीज ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। ये नहीं है कि व्हाट टू डू, व्हाट टू डू पर नहीं है, क्या करना है, ह्यूमन गोल क्या है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। कॉमन ह्यूमन गोल क्या है, इसकी क्लैरिटी के बगैर ओनली पीपल आर रनिंग टूवर्ड्स हाउ टू डू, हाउ टू गेट अ गुड एजुकेशन, हाउ टू गेट अ गुड जॉब, हाउ टू गेट अ गुड सैलरी, हाउ टू गेट अ गुड जॉब ऑन पर्टिकुलर कंपनी, लाइक दैट। तो ऐसे ही वन के एक के बाद एक ऐसे एस्केलेशन चलता रहता है। और कुछ लोग जाके लास्ट में जाकर करके, और जैसे कि अगर हम देखें पॉइंट वाइज देखें तो इसमें जो है बहुत सारा वैल्यूज में इरोजन हुआ है लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 ईयर्स में, बहुत सारा वैल्यूज में इरोजन हुआ है ना। नीड टू इनकलकेट इन माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कोर यूनिवर्सल वैल्यूज, है ना, लाइक दैट ट्रूथ, लव, पीस, राइट कंडक्ट एंड नॉन वायलेंस, ये लोगों में इनबिल्ट करने की ज़रूरत है ना। तो यूएन जनरल असेंबली ने, है ना, यूएन काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि भाई एक इसको जो है एज ए कॉमन सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए, सो दैट कि अप्रॉक्सीमेटली 2 decades के अंदर ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन वैल्यूज में इरोजन देखा गया है ना। तो उन्होंने एक कॉमन प्रोग्राम बनाया, राइट, कि भाई हमें जो है ऐसा एक ये बने सो दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दीज वैल्यूज लाइक लव, पीस, राइट कंडक्ट, नॉन वायलेंस, है ना। तो एक प्रोग्राम बनाया जिसका जिसे कहते हैं रॉयट ESD, है ना, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट फॉर ऑल, डेवलपमेंट हो फॉर कंटिन्यूस डेवलपमेंट, राइट, लाइफ में डिके ना हो, बैकवर्ड ना हो, फेल्योर ना हो, है ना, और इसको प्रॉपरली जो है बिहेवियर और प्रैक्टिस में लाया जाए, पीपल शुड बी इनकलकेटेड ऑल दीज वैल्यूज। तो ये कैसे होगा जब तक ये इसको एजुकेशन में नहीं इनबिल्ट किया जाएगा, है ना। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ओनली पीपल फोकसिंग ऑन हाउ टू डू, हाउ टू गेट एवरीथिंग, राइट, रेदर देन विदाउट द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज अ कॉमन गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। मैंने बताया भी लोगों को एम क्या है, लोगों को कॉमन एम क्या है लोगों का, ये मैंने बताया हुआ वैसे, ठीक है ना। तो वैसे कॉमन गोल क्या है, जैसे वो मेरी क्लास हुई है उसको मालूम होगा कॉमन ह्यूमन बीइंग क्या क्या है गोल कॉमन ह्यूमन बीइंग का। तो लोगों में ये जो है क्लैरिटी नहीं है इसकी, है ना, इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं कि व्हाट इज द रियल एम ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट टू डू, व्हाट आर द प्रोसेस फॉर इट टू अचीव ऑल दीज वैल्यूज, है ना। बिकॉज नाउ वी आर कंट्रोल्ड बाई अदर्स, है ना, विदाउट द चेकिंग एंड वेरीफिकेशन, है ना, बिना हम जो है सोचे समझे, बिना वेरीफिकेशन के, बिना किसी अपने एक्सप्लोरेशन के, बिना किसी वैलिडेशन के, राइट, वी आर मेकिंग अवर गोल्स, अवर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर दूसरों के बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है, हमारी थिंकिंग दूसरे के बिहेवियर से जो है इफेक्टेड होती है, है ना। इट मीन्स क्या, हम दूसरों के इम्प्रेशन में हैं, वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, इसका तो क्या हो गया, हम दूसरों के अंडर में, राइट, हाउ कैन आई गेट अवर ओन थिंकिंग, राइट, हाउ कैन वी डेवलप अवर ओन सेल्फ बैलेंस्ड, राइट, एंड कंप्लीट थिंकिंग जो कि कंटिन्यूस हो, हमारी थिंकिंग ऐसी, हमारी खुद की जो थिंकिंग हो, हमारी सेल्फ की जो इमरजेंस हो, जो कि परमानेंट हो, सही हो, राइट हो, एंड गुड फॉर ऑल हो, ठीक, हमारे लिए भी सही हो और अदर्स के लिए भी सही हो, है ना। है ना, तो इसलिए जैसे मैं बताया कि ये लास्ट 2 decades के अप्रॉक्सीमेटली 2002 एंड 2 के बाद से अप्रॉक्सीमेटली क्या किया गया, डिकेड
ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ऐसी एजुकेशन हो जो वैल्यू बेस्ड लर्निंग हो, है ना, जिसमें लोगों का, स्टूडेंट्स का क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हो, नॉट ओनली मेमोराइजिंग, नॉट ओनली राइट कॉपिंग अदर्स वैल्यूज, कॉपिंग जस्ट व्हाट इज ऑलरेडी ऑलरेडी गिवेन अस, नॉट ओनली मेमोराइजिंग, नॉट ओनली बेस्ड ऑन एजम्पशन। हमारी थिंकिंग केवल एजम्पशन पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, है ना, मान्यताओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, जो कि हमें बताया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, केवल उसी पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, है ना। रेदर देन क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी डेवलप्ड, है ना, रेदर देन मेमोराइजिंग, मल्टी मैथड अप्रोचेज शुड बी फॉलोड, डिबेट, है ना, आर्ट, है ना, दीज थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स शुड बी डेवलप्ड ऑन ह्यूमन बींग और स्टूडेंट्स, सो दैट देयर ओन थिंकिंग, देयर ओन वैल्यूज, है ना, देयर ओन थिंकिंग कैन बी इवॉल्व्ड, है ना, और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग जो है पावर लोगों में आए। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, अगर ऐसी एजुकेशन हो जाए जो सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट के लिए हो, तो क्या होगा उसमें, रिस्पेक्ट वैल्यूज एंड प्रिजर्व एन अचीवमेंट ऑफ पास्ट, ये सब होगा, रिस्पेक्ट होगा, वैल्यूज होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना, एंड पीपल विल बी सेटिस्फाइड, है ना, नो एनी डिसएग्रीमेंट विल बी देयर बिटवीन बिटवीन टू पीपल, राइट, पीपल विल बी हारमोनिकल हैप्पी, है ना। तो और इसका कैसे क्या मतलब, प्रिजर्व द अचीवमेंट ऑफ पास्ट, जैसे कि जो हमारी ग्लोरी रही है, जो एक पहले लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, जो लोग पहले एक दूसरे के टेक केयर करते थे, जो लोग कम जो फिजिकल फैसिलिटीज में लोग जो हैप्पी रहते थे, है ना, तो ये सब चीज़ों का मतलब प्रिजर्व दी है। आज आप खुद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मॉनेटरी डेवलपमेंट, राइट, एवरीथिंग, है ना, आप देखो तो बहुत ज़्यादा है, लास्ट टू डिकेड बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन डिके में आप उसी के पैरेलल आप देखोगे तो जो डिकेइंग हुआ है वैल्यूज का, इरोजन हुआ है वैल्यूज का, वो जो है वेरी मच रिमार्कबल। तो ये जैसे मैंने बताया कि जो भी ये ह्यूमन वैल्यूज में जो ये मेथड बताए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, कि ये सारी जो टॉपिक्स हम एज ए क्या है, एज ए प्रपोजल है, प्रस्ताव है, इसको केवल मानना नहीं है, है ना, कि जैसा मैंने कह दिया वो मानना है, जैसा मैं तुमसे कहूँगा, अगर आप देखो कोई भी टॉपिक लूँ कि भाई इरोजन हुआ है कि नहीं हुआ है वैल्यूज में, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप देखोगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और वैल्यूज में इरोजन हुआ है, वैल्यूज में डिकेइंग हुआ है, यू विल एक्सेप्ट दिस, ओके ये हुआ है ना। तो ये चीज़ें एज ए ये जो मैं रख रहा हूँ ये प्रपोजल है तुम्हारे सामने, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट कर देना है। तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट किस बेस पे होगा, है ना, ये आपके अपने थिंकिंग के बेस पर होगा, है ना, अपनी थिंकिंग के बेस पर होगा। तो हर चीज़ है ना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये आदमी की थिंकिंग के बेस पर होता है। तो अगर वो प्रपोजल अगर सही होता है अपने लिए सभी के लिए, तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही ये जो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स एज ए प्रपोजल होंगे, है ना। तो भाई जैसे मैंने बोला कि मैं जैसे बोलता हूँ और भी क्लासेज में कि भाई लोगों का कॉमन गोल क्या है, पीपल का क्या है, तो लोग कहते हैं अर्निंग मनी, कोई कहता है टू एक्वायर गुड जॉब, है ना, या टू गेट ए गुड हाउस, या टू गेट ए गुड, है ना, लग्जरी कार, ऐसे ऐसे लोग बता सकते हैं ना? लेकिन और अगर हम इंटरनल डिस्कशन में जाएं,
लोगों से एक्सप्लोर करने के लिए बोलें, है ना, लोगों को एनालिसिस करने के लिए बोलें, बात करें, तो लोग क्या क्या निकल के आएगा कि भाई लोग जो है क्या होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन वो जो है जो इंस्टेंट हैप्पीनेस देख रहे हैं, राइट, जो जो ठीक है एडवांस हैप्पीनेस देख रहे हैं, वो कोई कार में देख रहा है, कोई किसी बिल्डिंग में देख रहा है, या कोई पर्टिकुलर जॉब में देख रहा है ना। तो अगर इसके जो एक कॉमन जो निकाले हम लोग, जो कॉमन एक जो चीज़ निकल के आती कि एवरी वन वॉन्ट्स हैप्पीनेस एंड नॉट इंस्टेंट हैप्पीनेस, एवरी वन वॉन्ट्स अ कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस, कंटिन्यूस हैप्पीनेस, है ना, ये एम निकल के आ रहा है सभी को, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस, राइट, नॉन डिकेइंग हैप्पीनेस चाहिए। ये कैसे अचीव होगी, है ना। तो अब लोगों ने इसके लिए अपने अपने रास्ते अलग अलग बना रखे हैं, कोई अपना कोई बिजनेस कर वो अपना रखा है ना, बिजनेस का वे है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई और काम वो लगा हुआ है ना, राइट, नॉन सोसाइटल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ, वैसे भी लोग जो है अर्न कर रहे हैं, है ना। तो उन लोगों ने वैसे उनके माइंडसेट बने हुए हैं। अगर उन लोगों से भी सोचो, अगर आप पूछो आप उन लोगों से भी जाके जो लोग जो है नॉन सोशल एक्टिविटीज़ में हैं और भी तरीके से गलत तरीके से अर्निंग में लगे हुए हैं, तो अगर आप उनसे एनालाइज करने के लिए बोलो, या उनके अगर आप रियली आप उनको आप थिंकिंग को स्ट्राइक करो, देन यू विल गेट कि यार दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ हैप्पीनेस, वो भी हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं ये सब, लेकिन इन रिटर्न मिलता क्या है, ये एक अलग बात है, राइट, दिस इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बिना जांचे, बिना चेक किए, बिना वैलिडेशन के अपनी थिंकिंग बना रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रति, कुछ भी एक्वायर करने के लिए, इसका मतलब हम दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं, हमारा अपना खुद का डिसीजन नहीं है, हमारा खुद का अपना जो है सेल्फ जो है सेट माइंड नहीं है। इसका मतलब हमारे जो है, जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या है, स्टेबल नहीं है, वी आर कंट्रोल्ड बाई अदर्स, क्योंकि हमने किसी के पास अच्छा घर देखा तो हम उसको पाने के लिए लग गए, प्रयास करने लगे, हमने किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी तो हमने उसके बारे में पूरा अपना योजना बना ली, या उसको बनाने पाने के लिए हमने जो है एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, क्या करना है क्या नहीं। तो हमारे जो ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहते, इसका मतलब हमारा खुद का है ना अपना कोई इस्टेब्लिश थाट्स नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। और अगर ऐसे आदमी जो है जिगजैग में रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है अदर एक्टिविटीज करेगा वो, अगर इस तरह दूसरे से बार बार जो है अगर इफेक्टेड होता रहेगा, दूसरे से कंट्रोल होता रहेगा, दूसरों को देखकर अपनी जो है अपने रिजल्ट्स बनाता रहेगा, अपनी योजनाएं बनाता रहेगा, तो क्या हैप्पी रहेगा वो, नहीं। तो ये मैंने प्रपोजल रखा, अगर तो आपसे पूछूं क्या वो हैप्पी रहेगा, तो आप सब लोग यही बोलोगे नहीं भाई, तो इसको मानना है। अब इसको चेक करो क्या ये सही है कि नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर सही है तो इसको मान लेना है, वेरीफाई करके, वैलिडेट करके, चेक करके, कि अगर लोग राइट दूसरों को देख के अपने गोल बनाएंगे, अपना माइंडसेट करेंगे, अपना एम राइट निर्धारित करेंगे, डिसाइड करेंगे, विल दे बी हैप्पी इन एक्चुअल टर्म, है ना। तो आप देखो होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रपोजल है आपके सामने, ये एक प्रपोजल है, ठीक है। तो एवरी फैक्ट व्हाट वी आर आई एम डिस्कसिंग हियर इज अ प्रपोजल, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें रिस्पेक्ट वैल्यूज ये सब होंगे, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ होगी, है ना, एसेस केयर एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ प्लैनेट, ऐसी थिंकिंग हो कि जो भी हमारे पास जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं उसको ऐसा यूज करें केवल, है ना, सो दैट ओनली वी कैन यूज नॉट मिस यूज, है ना, एसेस केयर एंड रिस्टोर फॉर ऑल। लोग तो केवल अपना ही भला देखते, नहीं नहीं हमें बस हम जो है अपना यूज कर लें, ठीक है, मैं और अपनी फैमिली या बहुत ज़्यादा और दो चार अपने आसपास के लोग, बस इतनी थिंकिंग रहती है लोगों की, है ना, सो दैट वी कैन बी ए केयरिंग सिटीजन, है ना, ऑफ आवर कंट्री ऑल और दिस यूनिवर्स, राइट। तो वैल्यूज हमें क्या सीखने हैं,
है ना, डिस्पाइट अवर टेक्निकल एजुकेशन क्या होना चाहिए, पीस है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, ये सब कैसे आएगी, ये सब वैल्यूज कैसे आएंगे भाई, है ना, ये तो ये सब ह्यूमन वैल्यूज से आएंगे जब उसे हम एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रपोजल डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना, एक के बाद एक देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स। बिकॉज आज की एजुकेशन क्या है, ओनली फॉर द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नॉट प्रिपेयरिंग गुड ह्यूमन बींग, नॉट फैसिलेटिंग द पावर ऑफ अचीविंग रियल हैप्पीनेस, दे आर गिविंग एजुकेशन ओनली टू एक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टीज, टू एक्वायर गुड जॉब और टू मैनेज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एनीथिंग, है ना, वी आर बींग ट्रेंड फॉर एक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज को एक्वायर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, ये बात यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये फिजिकल फैसिलिटीज या जो भी है ये जरूरी नहीं है लाइफ में, है ना, ये जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब तो है ही है, बट पैरेलल में और क्या चाहिए, जो इरोजन हुआ है लास्ट टू डिकेड्स में, जो ये डिकेइंग हुआ है, आप देखो, इफ यू एनालाइज, इफ यू थिंक, दैट लॉट ऑफ डिकेइंग हैज ऑलरेडी बीन डन, ऑलरेडी हैज हैपेंड, है ना, कुछ लोगों ने बना रखा है भाई सम्मान, हमें सोसाइटी में क्या करना है, सम्मान लेना है, सम्मान, अब सम्मान पाने का क्या तरीका है, लोगों ने समझ लिया है कि सम्मान क्या है, जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज फिजिकल एक्विजिशन, जिसके पास जितना ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज का जो है राइट एक्विजिशन है, भंडार है, वही जो है वही रिस्पेक्टेबल है, तो दूसरे भी लोग सम्मान पाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपने उनकी रियल लाइफ में कभी जो है झांक के देखा है, आर दे रियली हैप्पी, है ना, ये एक जो है डिस्कशन का विषय है। तो आवर हैप्पीनेस कैन नॉट डिसाइडेड ओनली बाय एक्विजिशन ऑफ फिजिकल एंटिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज, है ना, दे मे बी नीडफुल, है ना, इन लाइफ दे आर, वी कैन एक्वायर देम, वी आर नीडफुल फॉर देम मे बी, बट कितना, हाउ मच, आर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज कैन एनी पर्सन बी रिस्पेक्टेबल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल एक्विजिशन, मटीरियल एक्विजिशन, है ना, एनी पर्सन कैन गेट रिस्पेक्ट, क्या ऐसा है, ऐसा होता तो आप देखो, बहुत सारे लोग जो है, मैंने एग्जांपल दिए हैं आई थिंक जो अपनी और क्लासेज में, बहुत सारे लोग जो है ये सब एक्वायर करने के बाद भी लास्ट में उनका जो एंड होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो ये सब सब चीज़ें होंगी लाइफ में, तो लाइफ एम, रियल एम होगा वो जो है एक्वायर हो पाएगा, ठीक है, अटेंड हो पाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा रोल ऑफ एजुकेशन आजकल का है क्या, है ना, केवल टेक्निकल बेस्ड है, केवल टेक्निकल एक्सपर्टीज पर जोर है ना, जबकि होना क्या चाहिए, रोल ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो कि ह्यूमन वैल्यूज अगर जो है, अगर हम होती हैं आदमी में, या ह्यूमन वैल्यूज पे अगर बेस्ड, अगर ह्यूमन वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन होती है तो हमारी रोल ऑफ एजुकेशन कैसी होगी, द रोल ऑफ एजुकेशन इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस टू लिव विद डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। रोल ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों में ऐसी ऐसी है ना कॉम्पिटेंस दे, लोगों को ऐसा बना सके कि वो एक डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट से जी सकें, डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट से, है ना,
जैसे आजकल आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इनडेफिनिट ह्यूमन कंडक्ट ही है आसपास, आप देखोगे तो नेचर का बिहेवियर और सब का बिहेवियर सब कुछ डेफिनेट है, सब कुछ टाइम से होता है, सब कुछ अकॉर्डिंगली मतलब लगभग लगभग वैसा होता है। पर आप देखोगे सब जो सबसे ज़्यादा डेंजरस या सबसे ज़्यादा इनडेफिनिट क्या ह्यूमन कंडक्ट है ना। तो रोल ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए टू प्रोवाइड द फैसिलिटी कि लोगों में ऐसी क्षमता का विकास कर सके कि जो निश्चित मानवीय आचरण से जी सके, निश्चित मानवीय आचरण है ना, टू लिव विद डेफिनिट ह्यूमन कंडक्ट। ये ह्यूमन वैल्यूज का एम है कि शिक्षा ऐसी हो, है ना, शिक्षा कैसी हो जिसका एम हो होलिस्टिक एम होना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन बीइंग का होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव के तरीके से विकास हो, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ह्यूमन बीइंग का, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। बट है क्या ये हम लोग देख रहे हैं, है ना, कैसे प्रोडक्ट लास्ट में जो है प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना, जबकि होना चाहिए कि पीपल शुड डेवलप, है ना, टू लिव विद डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, निश्चित मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की कॉम्पिटेंस डेवलप हो सके, क्षमता डेवलप हो सके लोगों में निश्चित मानवीय आचरण के साथ। ऐसी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है आज के टाइम में। तो ये कैसे होगी एजुकेशन, इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ हमें जो है राइट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ जो है करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे, ये हमें देखेंगे हम अगली क्लास में क्या प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारे ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, राइट, ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।